तो राम राम बा आप सभी को, और आपका स्वागत रही इस नए भोजपुरी व्लॉग में। सो गुड मॉर्निंग बा। और अभी हम रहें रानीगंज में। सो आज की शादी बा, तो अभी हम नहा धो के रेडी होगन गा। होगन बा होवत रही, होवत रही होगा बा। हम रेडी होगा बा। अब 3 बजे बारात निकलत रही, तब आपको दिखावत रही यहाँ क्या क्या होवा रही, और फिर आपको अपडेट करी। और कल से जब से यहाँ आए सब भोजपुरी पर चल रहा है, सब भोजपुरी भाषा बोल रहे हैं। बड़ी मीठी और बड़ी प्यारी भाषा है, लेकिन हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। हालांकि समझ जाते हैं कि क्या बात चल रही है, क्या चर्चा चल रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। और हम सोच रहे हैं, हमें और लग रहा है कि हम 2-3 दिन में जब यहाँ से जाएंगे तो हम घर जाके कहीं ऐसी बात न करें। कहा बा चाय ला बा, रोटी बनावा, हम जावत रही ऑफिस, तुम आवत रही। अरे अभी थोड़ी देर पहले दीदी भी ऐसी बोल रही थी, कुछ बोल रही है यार भाभी, मैं तो यही सीख जाऊंगी। सो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। डे 3 हमारा। सो अभी सुबह सुबह नहा धो के सब लोग रेडी हो गए हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या फंक्शन होंगे, आप सबको वो चीजें दिखाएंगे। फंक्शन होंगे शादी का, 3 बजे बारात निकलेगी, फिर बारात का आपको पूरा एंजॉय कराएंगे। बाकी अभी दूल्हे से भी मिलवाना है, बिकॉज दूल्हे राजा थोड़े बिजी हैं, वो तो ज्यादा उनसे वीडियो पे बात हो नहीं पाई है, तो कोशिश करेंगे। ले रहे हैं हम कैमरे में, क्योंकि यहाँ ना कपड़े चेंज नहीं करते, वही हल्दी वाले ने कल से। मतलब 5 बार हल्दी मेहंदी लगती है, तो दूल्हा उसी ड्रेस में रहता है, तो वो हालत अभी उसकी खराब है। थोड़ा जब तैयार व्यार होगा, जब थोड़ा टचअप वचअप होगा, तब उससे बात करेंगे। सो आपको भी करवाएंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून, बने रहिए इस व्लॉग। दूल्हे राजा आवत रही। कहाँ बा, कब चलवा करी? बस शाम में चलवा करी, अभी तो कुल रिचुअल्स बा निपटा लेवे के बाद तब चले के बाद। एनर्जी लेवत रही, जरूरत रही, ले लो, ले ला। चला चला चल बा, ले ला, चला चले के, चले के, हाँ चले के। वो ड्राइवर गाड़ी लॉक करी करो। अब आप भी वीडियो में आओगे, है ना? ठीक है, देखोगे? ठीक है, ये अभी आएगा 2-3 दिन बाद। ठीक है, अपना नाम बताओ। मेरा नाम वैभव। और आपका? सृष्टि है। सृष्टि है। तो गाइज अभी दोपहर के 1 बज गया, कितना बज गया? 1, हाँ 1 बज गया है। तो अभी मैं और हमारे सूरज भाई साहब, ड्राइवर साहब, हम जा रहे हैं गाड़ी वॉश कराने, तो हमें तो पता नहीं है, तो हम इनको साथ ले आए हैं। गाड़ी धुल जाएगा ना अच्छे से, चमक जाएगा ना धो के, बढ़िया रात में चलने के लिए। तो अभी गाड़ी को चमकवाते हैं, फिर हम भी चमकते हैं थोड़ा सा, और फिर आपको यहाँ की बारात कराते हैं, और कैसा माहौल रहेगा यहाँ का। उसके बाद नाश्ते खाते चलेंगे, फिर बारात मजा आवा करी, मतलब एंजॉय करते हुए, एंजॉय करते हुए। चलो सो गाइस, अभी गाड़ी धुलवा के आए थे, तो 3 बज गए हमें लौटते। सो अभी आप पीछे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं बैंड बाजे का शोर, तो बारात निकलने के लिए बैंड बाजे घर के सामने बज रहे हैं, जिससे कि सारे बाराती तैयार होके आ जाएं जल्दी जल्दी। लेकिन ये प्रोग्राम डिले होगा जैसा मुझे लग रहा है, बिकॉज अभी घर में बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, और जो दूल्हे राजा हैं वो अभी नहाए भी नहीं है, फिर तैयार होंगे, तो बारात निकलते निकलते 5:30-6 बज जाएंगे, और बारात यहाँ से जाएगी बलिया, जो यहाँ से आई थिंक 50-60 किलोमीटर है, तो 2-3 घंटे का रन है। लेकिन यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब से हम आए हैं धूप नहीं निकल रही, और बहुत फॉगी सा वेदर है, लेकिन मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ का खान पान, यहाँ के लोगों की भाषा, मतलब एक अलग वाइब्स आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप यूपी के किसी
दूसरी जगह पे आके मतलब एक अलग स्टेट वाली फीलिंग आ रही है, जैसे मतलब अलग कल्चर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है फिलहाल। और भी थोड़ी बहुत देर में हम भी रेडी होंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे घोड़चढ़ी कैसे होगी यहाँ से, निक्रोसी बोलते हैं उसको, तो निक्रोसी होगी वो दिखाएंगे, फिर आपको बारात में लेके चलेंगे बलिया। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बारात निकलने का टाइम है, हमारी रवि भैया रेडी हो चुके हैं, हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। भाई भाई आप भी हो गए? यस। आपको तो शादी भी दिखाएंगे। ठीक है, ओके। सो गाइस फाइनली बहुत मेहनत के बाद दूल्हे राजा से हम एक इंटरव्यू लेंगे, एक फॉर्मल वीडियो इंटरव्यू, बिकॉज इनकी फीलिंग शेयर करना बहुत जरूरी है वीडियो के माध्यम से, बिकॉज ये लाइफ टाइम हमारे साथ भी रहेगी और जो भाभी जी हैं और इनके साथ भी यूट्यूब के माध्यम से रहेगी। तो पहली बात तो कैसा फील हो रहा है आज दूल्हा बन के, ये शेरवानी पहन के कैसा फील आ रहा है? बताना सच। अब यार इस चीज से तुम लोग गुजर चुके हो तो नहीं, हम feeling... तो गुजर चुके हैं, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? अब ऐसा हमने तो देखो रोका बहुत था, लेकिन आप रुके नहीं। अब देखो यार डांस से ही जाहिर हो गया है कि कहीं ना कहीं खुशी है और भाई बहुत खुशी है, मतलब इतना तो मैं भी अपनी शादी में नहीं नाचा था जितना हमारा भैया अपनी शादी में नाचा है। और अभी और डांस होगा तो, और बाकी आगे की क्या प्लानिंग है? मतलब यार जब दूसरों की शादी में इतनी डांस की है तो खुद की शादी है तो बनता है यार। अपनी शादी में तो नाचना चाहिए। आगे की प्लान अब आगे चलते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है। भाभी जी से मिलने का बिल्कुल अब रहा नहीं जा रहा, बस जल्दी से निकलते हैं बिकॉज ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। तो बलिया पहुंचते हैं, फिर आपको पूरी शादी में एंजॉय कराएंगे और भैया की छोटी छोटी आपको क्लिप्स और इनकी जो दिल में बातें हैं वो हम निकलवाने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। फैजल भाई आपको कुछ कहना है? नहीं बस कुछ नहीं, आपने पूछ लिया इनसे, ऑल सेट है ना। ये तुम्हारे कौन लगवा बता बा जल्दी, तुम्हारा चाचा लगवा बता बा, प्रत्युष तुम्हारा मामा लगवा। सो अपन तैयार बा और 7:45 बजबा
हम सब रेडी हुआ, बस बारात ना निकल बल करी, वेट करी। सो जैसे ही निकल ली हम पीछे पीछे निकला करी, बिकॉज हमको ना पता किधर जावा करी। सो सब रेडी हुआ, कितना टाइम लगावा करी? तीन घंटा लगावा, खुद मेकअप करवा, फिर 3 घंटा पार्लर में मेकअप करवा। नहीं, पार्लर वाली से नहीं कराया यार, क्यों झूठ अच्छा। बोलते हो नहीं क्यों कराया बोलते आए, हो? आए। कराया था वो छोटा मेकअप कराया था, फिर मैंने कहा अच्छी नहीं लग रही हो, फिर उसके बाद पूरा मेकअप उतारा है तब जाके अभी ठीक है। तो अभी हम दूल्हे राजा के पीछे अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो ट्रैफिक जाम है। अब जैसे ही यहाँ से बारात निकलेगी तो पीछे पीछे फॉलो करेंगे, बाकी बारात में धूम मचाएंगे। एज यू नो के हम हुड़दंग करने वाले लोग हैं, मथुरा से आए हैं, तो यहाँ पता चलना चाहिए कि हम मथुरा वाले आए हैं। सो वो पूरी मतलब चीज याद रहेगी इनको भी और आपको भी और हमको भी। सो मिलते हैं जल्दी। Hey.
सो हेलो गाइज, वही गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 7 और बहु विदा हो गई है। हमारे आगे आगे गाड़ी चल रही है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और कल बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आपने देखा होगा बहुत सारा डांस किया हम सब ने, और शुरुआत एक्चुअली हमने ही की थी, बाकी यहाँ कोई डांस कर नहीं रहा था। लेकिन जब मथुरा वाले आ गए तो फिर बलिया वालों को भी आना पड़ा, तो मज़ा आया। और यहाँ पे डीजे वाला बैंड चलता है, मतलब जो नॉर्मल बैंड वाले हमारे यहाँ चलते हैं वो नहीं था, डीजे वाला था। तो थोड़ा और फील आ रहा था, डीजे पे डांस करने का मज़ा अलग आता है, और डीजे रोड पे तो वो एक अलग थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। तो बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, मज़ा आया नहीं आया, बहुत आया था, डांस भी बहुत किया था। और वीडियो में सब लोग देख ही लेंगे, वो तो देख लिया होगा अब तक तो सबने देख लिया होगा। सो बाकी रीति रिवाज सब कुछ ऑलमोस्ट सेम थे, थोड़े बहुत कुछ डिफरेंट चीजें थी तो वो मैंने शूट करने की कोशिश की। बाकी अभी बहुत ज्यादा थकान हो रही है, अभी घर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर आगे का सीन देखते हैं। या तो हम आज ही निकलेंगे मथुरा के लिए या फिर कल मॉर्निंग में निकलेंगे, वो पता चलेगा। बिकॉज पूरी रात के जगे हुए हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, और 17-18 घंटे की ड्राइव है मथुरा के लिए, तो वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि निकलना है कि नहीं निकलना है, तो देखते हैं अभी। बाकी ये वीडियो अगर आपको किसी भी रीजन से पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और हमारा डांस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे फिर नए व्लॉग में, और आगे की जर्नी फिर आगे वाले व्लॉग में। सो प्लीज बाय बाय।